जाए तो मातृभाषा मतलब तो माँ का भाषा होता है, तो माँ की भाषा में आज अगर हम झारखंड में बात करें तो कोई भी माँ स्टार्टिंग से कोई हिंदी या फिर आपका इंग्लिश स्टार्ट नहीं करती, जो उनकी मातृभाषा होती है, जो खोटा हो या फिर जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उन्हीं पे वो बात करती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं लेना चाहिए। ये जो सर महेंद्र कुमार पाठक सर, ये सांसद में जो बहस होती है, बात होती है, वो हिंदी में होता है, ठीक है, लेकिन जो बजट जो पेश किया जाता है वो इंग्लिश से क्यों किया जाता है आज तक किसी को समझ नहीं आता। जिस दिन वो हिंदी से बजट पेश करना शुरू हो जाए